हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको नीट क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटपैड का इंट्रोडक्शन। नोटपैड होता क्या है, नोटपैड के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहला चीज़ ये दोस्तों, नोटपैड हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोटपैड क्या है, नोटपैड क्या है आखिर। दोस्तों नोटपैड के बारे में अगर हम जाने तो नोटपैड एक साधारण सा प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत ही आसानी से सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक तरफ से लाइट वेट प्रोग्राम है, लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अवेलेबल रहता है। हर एक माइक्रोसॉफ्ट हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है उसमें नोटपैड ऑलरेडी अवेलेबल होता है। दोस्तों नोटपैड पे आप आसानी से सिंपल सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं या कोडिंग भी आसानी से इस पे HTML ऐसे कोडिंग्स कर सकते हैं। दोस्तों यही होता है दोस्तों हमारा नोटपैड। अगर दोस्तों नोटपैड किसने बनाया इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों नोटपैड को रिचर्ड ब्रोडी ने बनाया था जो 1983 में। दोस्तों इसी वक्त नोटपैड हमारा लॉन्च हुआ था, तब से हर एक सॉफ्टवेयर में, 7, 8, 10 में, सारे सॉफ्टवेयर में आपका ये भी अवेलेबल रहता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है, जब भी हम फाइल को, नोटपैड को सेव करते हैं तो उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नोटपैड का एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है name.exe। यानी कि दोस्तों name.exe हमेशा इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है और एक्सटेंशन इसका फाइल होता है .txt। अगर txt अगर एक्सटेंशन फाइल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, सिंपली फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पर .txt देखने को मिल जाएगा। ये होता है दोस्तों इसका एक्सटेंशन फाइल, इसी को हम कह रहे हैं दोस्तों एक्सटेंशन फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है name.exe और एक्सटेंशन फाइल होता है .txt। आप नोटपैड के बारे में आसानी से समझ गए होंगे नोटपैड होता है क्या। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे टॉपिक के लिए, नोटपैड से रिलेटेड। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।